हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सकता रोहन, चल देख लेते कौन जीतता है। उन सबको हरा दूंगा, यही से चलता हूँ। रुको रुको, शैंकी कहाँ है? अरे अभी तो यही था, कहीं उसकी साइकिल तो खराब नहीं हो गई? जरूर जाके देख के आते। शेंगे, मैं आऊं। आवाज तो सर जा रही, चलो। शेंगे, शेंगे, कहाँ शेंगे? शेंगे, शेंगे, शेंगे। रोहित, रोहित, शेंगे, 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 रोहित। शैंकी की आवाज इस तरह से आई थी, और क्या पता कहाँ गया हो। शैंकी, 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 मैं आऊं। अरे शैंकी, तुम यहाँ गिरे कैसे? मैं तुमसे आगे आना चाहता था, इसलिए शॉर्टकट मारा और गड्ढा नहीं दिखाई दिया और गिर गया। पर तुमने ऐसे क्यों किया? उस पर चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, उसे बाहर निकालना है। जल्दी निकालो, मुझे डर लग रहा है। पर निकाले कैसे? वो देखो लकड़ी। आजा आजा, अरे संभाल संभाल, आजा संभाल के संभाल के। अरे मेरी साइकिल। अरे तू तो पहले ऊपर आ जा, साइकिल बाद में किसी से ले लेंगे। आजा शंकी संभाल के। अभिषेक, बहुत बुरी तरह से टूटी है ये खोपड़ी। खोपड़ियां हैं फिर स्केलेटन भी यहीं आसपास ही होना चाहिए। हाँ होना तो चाहिए, देखो जरा, देखते हैं अच्छी तरह से आसपास। सही है, स्केलेटन। संभल के, एकदम संभल के। गुंडी तो गायब। लगता है ये खोपड़ी इसी स्केलेटन की होगी जो इस बेचारे से गुम हो गई होगी। खोपड़ी गुम तो हो गई है, पर खोपड़ी और ढांचा अलग अलग क्यों? सर हो सकता है कोई जंगली जानवर खोपड़ी को नोच के ले गया हो। पूरी जिस तरह से इस खोपड़ी को तोड़ा गया है ना, लगता है किसी जंगली जानवर का काम नहीं बल्कि किसी इंसान का काम है। हाँ सर, कि जंगली जानवर ने किया होता तो इतनी बुरी तरह तो नहीं टूटी होती, और हड्डियों पे भी कुछ ना कुछ खरोंच के निशान तो होते हैं, यहाँ तो है नहीं। सर ये पेल्विस बोन से तो ऐसा लगता है किसी औरत का ही कंकाल है। अभिजीत, और फिर ये कपड़ा देखो, ये कपड़ा भी तो किसी औरत का ही कपड़ा लगता है। ये फैब्रिक तो काफी महंगा लगता है सर।
हाँ है तो किसी समृद्ध घर की, हो सकता है प्रॉपर्टी वॉपर्टी के लिए मार दिया गया हो इसे। ये सैप मिला है सर, इस सैप के अंदर एक मच्छर बंद है सर। सैप क्या है? गून, पेड़ से जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है ना, वो है ये, पेड़ की गोंद है ये सैप। मगर सर ये स्केलेटन के नीचे कैसे आया? शायद मरने से पहले ये मच्छर लड़की को काटने की फिराक में होगा, उसी समय ये सैप पेड़ से गिरा और मच्छर इस पे दफन हो गया। बस इसकी पसलियों में से एक पसली पर ये देखो, सेमी सर्किल जैसा निशान। संके गोली चू कर गई है इस पसली को, गोली मारी है इसे किसी ने। बिल्कुल बॉस, गोली इसकी पसली में लगी और हड्डी को जलाती हुई बाहर निकल गई। बड़ी अजीब बात है सर, कोई किसी को गोली मारने के बाद उसका गला क्यों काटेगा? अजीब बात तो है सचिन, लेकिन भाई ये बात तो तुम खूनी से जाकर के पूछो, क्योंकि यहाँ तो किसी को मालूम है नहीं, इसको भी मालूम नहीं। जिसने भी ये किया है ना, लगता है बहुत नफरत करता था इससे, किसी बात का बदला लिया है इसने जरूर। पता चलना चाहिए सरों कि ये कंकाल है किसका। सरों के साहब, इसके स्कल, इसकी खोपड़ी से चेहरा तो बनाया जा सकता ना? नहीं सचिन, फेस को रिकंस्ट्रक्ट करने में इन चीक बोन्स की काफी अहमियत रहती है, और इसका तो चीक बोन है ही नहीं, इसलिए इसके फेस को रिकंस्ट्रक्ट करना नामुमकिन है। सर फिर तो इसकी पहचान करने के लिए हमारे पास वो कपड़ा ही बचता है जो इस क्लाश के पास मिला था। ठीक से नाप लो, एक इंच भी ना ज्यादा होना चाहिए ना कम, बहुत फेमस डिजाइनर हूं मैं। फ्रेडी, पंकज, क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर। अच्छा हुआ सर आप लोग आ गए, इनसे मिलिए, ये बहुत बड़ी डिजाइनर है। तो तुम क्या अपनी शादी का सूट सिलवा रहे हो क्या? सर वो क्या ना, कभी ना कभी तो शादी करूंगा ना सर, तो एक सूट सिलवा लेता हूँ। ऐसी हरकत रही तुम्हारी तो थोड़ा डाउट लगता है। तुम फ्रेडी शादी की एनिवर्सरी का सूट सिला रहे हो? आपको कैसे पता चला? अगर आपको भी कुछ बनवाना हो तो बताइए, बहुत फेमस डिजाइनर हूं मैं। पूर्वी जरा इन्हें वो कपड़ा दिखाओ। इस कपड़े के बारे में आप कुछ बता सकती हैं? बता सकती हूँ? ऐसी फेमस नहीं हूं मैं, इस कपड़े की तो मैं पूरी कुंडली निकाल सकती हूँ। ये 100% तो नहीं, 80% कॉटन, 20% नायलॉन, डबल स्टिक और एंशिएंट डिजाइन है ये। एंशिएंट डिजाइन? कितना कितना पुराना है ये? ये कोई 6-7 months, 6-7 महीना पुराना, तो ancient मतलब पुरातन हो गया। हाँ, फैशन की दुनिया में तो ये ancient है, बाबा आदम के जमाने का। और वैसे भी उस टाइम में भी इस कपड़े को ज्यादा पसंद नहीं किया लोगों ने, एकदम फेल था, और मैं तो ऐसे कपड़े को छूती तक नहीं हूँ। अच्छा तो फिर कहाँ कहाँ मिल सकता है ये कपड़ा? मुझे क्या पता, और वैसे भी ये तो रेडीमेड है, छोटी मोटी दुकानों पे बिकता होगा। अच्छा तो आप ये बता सकती हैं इस कपड़े से ज्यादातर क्या बनता था? कर दी ना आपने फिर वही बात। क्या कर दी मैंने? मेरी काबिलियत पर आपने शक किया। अब आपको तो पता ही है कि मैं कितनी फेमस डिजाइनर हूँ, और ये तो मैं इजीली बता सकती हूँ कि इससे वन पीस ड्रेस ही बन सकती है। वैसे किस उम्र के लोग ये ड्रेस पहना करते थे? ये कोई
24 to 30। और कुछ? देखिए मुझे बहुत काम है, आपको तो पता ही है कि मैं बहुत ज्यादा। जी हाँ, आप बहुत फेमस हैं। हाँ मैम, एक आखिरी सवाल। हम जानते हैं कि आप बहुत बड़ी डिजाइनर और आप ऐसे कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाती, पर क्या आप ये बता सकती हैं कि ऐसे ड्रेस और कहाँ मिल सकती है? आपको पता है कि आप बहुत ज्यादा लकी है। अच्छा? इस तरह के कपड़े उस टाइम पे ऑनलाइन बिका करते थे। आप किसी भी कपड़ा बेचने वाली वेबसाइट पर जाइए और वहाँ सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल होंगे। अब मैं जाऊँ? थैंक यू राज, वो कपड़े पैक करके ले आना। अभी दया, काम करो, सारी ऑनलाइन साइट्स चेक करो, देखो कौन लोग हैं जो ऐसे कपड़े बेचते हैं, और फिर उनसे कस्टमर्स की लिस्ट भी मंगवा जिन्होंने ऐसे कपड़े ऑर्डर किए थे। वो लड़की उन्हीं कस्टमर्स में से कोई एक है, उन्हीं में से कोई एक। कंफर्म किया था ना ये एड्रेस है? हाँ सर, ऑनलाइन रिकॉर्ड से पता चला है कि 30 लोगों ने खरीदा था, अब सिर्फ 4 बचे। और उन 4 में से 3 ने ये, तो बची सिर्फ ये। मुझे तो पक्का यकीन है सर, यही होगी। हाँ जी, क्या चाहिए आप लोगों को? आप मेनका है? काय रे, तुझे क्या मैं मेनका मैम दिख रही है क्या? मेरा नाम निधि है, निधि, इस घर की मेड। निधि? हाँ, यहाँ की काम वाली। बोलो क्या चाहिए? देखो हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? मेनका मैडम को बुलाओ जरा। आइए सर, आइए, अंदर आइए। निधि, कौन है ये लोग और घर के अंदर कैसे आ गए? साहब ये हम लोग सीआईडी से हैं। जरा मेनका जी को बुलाइए, उनसे कुछ बात करनी है। मेनका? जी हाँ मेनका। वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ है वो? देखिए आपने जितना पूछा मैं आपको बता चुका हूँ। आपका उनसे रिश्ता क्या है? मेरी पत्नी है वो, पत्नी थी। फिर तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि वो कहाँ है और कब आएंगी। देखिए मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और मैं उसके बारे में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, आप जरा ये कपड़े देखिए, इन्हें पहचानते हैं आप? ये तो किसी लड़की के कपड़े हैं, मैं ऐसे नहीं पहचानता। अच्छा, पहले आपको ये नहीं पता कि आपकी पत्नी कहाँ है, अब आप उसके कपड़े भी नहीं पहचान रहे, कमाल है। आप कौन है? मैं सर इनकी सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी? घर पे? यहाँ घर पे ही दफ्तर बना रखा है आपने? हाँ? नहीं सर, ये तो एक डिक्टेशन के लिए यहाँ पे आई थी। अच्छा। एक्चुअली सर आज सुबह से मेरी तबीयत बहुत खराब थी, तो मैंने इसे यहाँ घर पे बुला लिया। देखिए हमारा जानना बहुत जरूरी है, इसलिए जरा दिमाग पे जोर डालिए और बताइए मेनका कहाँ है और कब आएगी। सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, और वैसे भी 2 महीने पहले वो यहाँ से गायब हो चुकी है। 2 महीने से गायब है? आपने पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं लिखवाई, क्यों? सर मैं बताती हूँ, 1 मिनट। हाँ सर, ये मेरी डायरी के हिसाब से 2 महीने पहले आपकी बीवी गायब हुई थी, और आपने शर्म के मारे मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखाई ताकि किसी को भी पता न चल जाए। अच्छा तो ये बात है। सर 2 महीने से बीवी गायब है और सेक्रेटरी घर पे, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। आपको याद नहीं आ रहा ना आपकी बीवी कहाँ है? आप एक काम करिए, हमारे साथ जरा ब्यूरो में चलिए, थोड़ा समय गुजारेंगे तो आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी। सर वो हम कहीं जा रहे थे, मैं भी चलूँ? सर हाँ क्यों नहीं, चलिए चलिए। नहीं सर मुझे याद आ रहा है सर, मैं बताता हूँ आपको। बताइए। सर आपके सारे सवालों के जवाब आपको कैंपल शिपिंग कंपनी में मिल जाएंगे। कैंपल शिपिंग कंपनी? सर उस मेरे का नाम की औरत ने ना मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया सर। देखिए हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं, लेकिन हमारा तरुण से मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज बताइए तरुण कहाँ मिलेगा हमें।
सर वो भी उसी दिन से गायब है जिस दिन मेनिका उससे मिलने यहाँ पर आई थी। इस बात को तो 2 महीने हो चुके हैं, तो क्या तरुण 2 महीने से? हाँ सर, 2 महीने हो गए, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ सर, वो मुझसे मिलने तक नहीं आया सर, 2 महीने से, मुझसे शादी का वादा करके गया था और ये देखिए सर, मैंने उसके लिए गिफ्ट लेके रखा है सर, ताकि जब वो लौटे मैं उसे ये गिफ्ट दे सकूं, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे सच्चे प्यार को भुला चुका है सर, उसे मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, अब मैं क्या करूंगी सर? सर मैडम चलिए। चलो सर, मेनका के साथ साथ तरुण भी गायब है पिछले 2 महीने से, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। तरुण का फोन नंबर होगा ना आपके पास? जी सर है। फ्रेडी फोन नंबर लो, देखो फोन जिंदा है क्या, और अगर है तो पता लगाओ कहां पर है। यस सर। सर काफी परेशान है तरुण के इस तरह अचानक गायब हो जाने से। कहीं इस धीरज ने मेनका के साथ साथ तरुण को भी तो गायब नहीं किया? हो सकता है। इस धीरज पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, हमसे मिलने के बाद वो बौखलाया जरूर होगा, कोई ना कोई गलती तो जरूर करेगा, वो जरूर कोई ना कोई गलती करेगा। अच्छा भाई साहब, आप बड़े आराम से अंदर छुप करके बैठे, कोई बात नहीं, आज मैं भी आपको बाहर निकाल के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या हुआ है सर आपको? आप कब से बेचारे इस मच्छर के पीछे पड़े? एक मच्छर इंसान के पीछे पड़ के उसे बहुत परेशान करता है ना तारिका? वो तो है। मैंने सोचा आज मैं भी इस मच्छर के पीछे पड़ी जाता। इतिहास गवाह है कि आज तक मच्छर इंसान का खून चूसता है, लेकिन आज सालू के इस मच्छर का खून चूसेगा। एक मच्छर इंसान को क्या बनाता है तारिका? क्या बनाता है? डेंगू का मरीज बनाता। एक मच्छर इंसान को डेंगू का मरीज बनाता। लेकिन ये मच्छर इंसान को एक कैदी बनाएगा। मतलब ये तारिका कि इस मच्छर का खून शायद हमें खूनी का पता बताएगा। तरुण दरवाजा खोलो बेटा, मम्मी बाहर खड़ी है। अरे ऐसी के तैसी, खोलो दरवाजा। मेनका भी तरुण की दोस्त और शीना भी तरुण की दोस्त, लेकिन एक की बन गई है लाश और दूसरी रो रही है। इस तरुण को तो इन बातों का जवाब देना ही पड़ेगा, जवाब देना ही पड़ेगा। मेनका को गोली से मारा है, या तरुण के घर में एक गन मिलती है, वो भी छुपा के रखी हुई। सर जरूर मेनका को इसी गन से मारा हो, लेकिन सर
मेनका की लाश के पास तो हमें कोई गोली मिली ही नहीं। इतर की खुशबू, खुशबू यहां पर ज्यादा है इस बैरल पर। हो सकता है कि गन पे लगी हुई खुशबू इस बैग को लग गई होगी। हाँ फ्रेडी, हुआ तो ऐसा ही है। जिसने भी इस गन को हाथ लगाया ना, उसके हाथ पर इतर था। उसने इस गन को ऐसे उठाया होगा तो हाथ के ऊपर जो इतर था बैरल पर आ गया। हम लोग इस खुशबू को ढूंढ सकते हैं। मगर सर, खुशबू को ढूंढेंगे कैसे? परफ्यूम की दुकान से। ला ला ला, आइए आइए मेहरबान, हुई ना परेशान, शौक से लीजिए इधर की खुशबू। यहाँ देखिए, आ तो गए हम, लेकिन हमें यहाँ इतर की जानकारी चाहिए। जानकारी? अजी जनाब, समझिए हमारी भी लाचारी, करते हैं इतर की दुकानदारी। कुछ लीजिएगा तब देते हैं जानकारी। अरे देखिए श्रीमान, हम हैं थोड़े परेशान। अगर इतर की करेंगे पहचान तो बच सकती है किसी की जान। वाह, क्या गीत गाया आपने, अजी रंग जमाया आपने। अजी अब आप हो गए हमारे खास, तो बताइए कौन सा इतर है आपके पास? ये है जनाब। ये तो इतर नहीं, ये तो शस्त्र है। जी जान लेने का अस्त्र है, इससे खुशबू तो नहीं आती। हाँ जान जरूर जाती है। सुनिए, इसे सूंघ कर देखिए और बताइए कौन सा इतर है। हाँ? यहाँ सूंघिए श्रीमान, यहाँ पे, और देखिए कौन सा इतर है इसमें। सूंघिए सूंघिए सूंघिए। सेब की खुशबू, अंगूर का जादू, हवा में कुछ घुल गया है। इतर आपको कहाँ से मिल गया है? अरे वो छोड़ो, ये बताओ ये इतर रखते हो तो दिखाओ। जी ना ना, ये इतर बड़ा रेयर है, इसकी रखनी पड़ती बड़ी केयर है, इसकी प्राइस है बहुत ज्यादा, इसलिए यहाँ रखने का है ना कोई फायदा। कहाँ मिलेगा ये? ये तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर ही बताएगा, क्योंकि वो बड़ा बगीचा है, मैं छोटी क्यारी हूँ, वो बड़ा डीलर है, मैं छोटा मोटा व्यापारी हूँ। जी जी, एक मिनट जयपुरी। ये जो है तरुण के फोन की लोकेशन है, ये सारी जगह देख के बताओ कहाँ है आपका वो जो व्यापारी है इस तरफ, कहाँ दुकान है उसकी। ये तरुण कौन है? जिसकी ये गन है, ये खुशबू वाली गन। ये गली नंबर 8 में डिस्ट्रीब्यूटर की दुकान है, नाम है उसका छैला, पर दिल का है बहुत मेला। ध्यान रखना, आदमी बड़ा गंदा है और मुझे लगता है उसका 2 नंबर का धंधा है। थैंक यू। अरे छैला ने एक बार जबान दे दी तो काम तो अपने आप हो जाना है। You understand? Chill, man, chill. आप सवाल तुम नहीं, सवाल हम पूछेंगे। छैला से सवाल? Chill, man, chill. Chill तो हम हो जाएंगे जब तुम हमारे सवाल का सही जवाब दोगे तो, और अगर नहीं दिया तो हम तुम्हें बर्फ की सिल्ली पर लिटा लिटा के चिल कर देंगे। फ्रेडी, क्यों डरा रहे हो बेचारे को? ये तो वैसे ही बता देगा, है? है ना? हाँ। इसे पहचानते हो? हाँ सर, फिल्मों में देखा है सर। हीरो आता है, गुंडे पर तानता है, गोली चलाता है, धाए धाए धाए। सर ये तो कॉमेडी के मूड में लग रहा है। चलो अब इसे ट्रेजेडी भी दिखा देंगे। अभिजीत, उसी गन से उड़ा दो इसे। सर, सर ये क्या कह रहे हैं आप? ये ठीक है सर, गन तो वैसे भी इलीगल है, इसके खून का इल्जाम हमारे ऊपर आएगा भी नहीं। चिल मैन चिल, तुम लोग छैला को डरा क्यों रहे हो?
ये बहुत गलत बात है। देख, हमें पता है तू इत्र के धंधे के नाम पर हथियार का नाजायज धंधा करता है। ये गन तुम्हारी है ना, जो तरुण ने ली थी? क्यों? सर, लगता है ये इतनी आसानी से बोलने वाला नहीं है। कैसे नहीं बताएगा? किसने कहा? जरूर बताएगा छाला, क्यों नहीं बताएगा? तो बता, मुहूर्त निकलाऊं क्या? मैं बिना मुहूर्त के बताता हूं। हाँ सर, ये गन तरुण ने मुझसे ली। तरुण? कहाँ है तरुण? चिल मैन चिल, बाय गॉड की कसम, तरुण कहाँ है ये छेला को बिल्कुल नहीं पता। कैसे नहीं मालूम? अगर तुम्हें पता नहीं तरुण कहाँ है तो फिर उसके पास गन कैसे पहुंचाई तुमने? मैंने गन नहीं पहुंचाई, वो खुद लेने आया था। संतोष उसे छेला के पास लेकर आया था। संतोष कौन है ये? सर, छेला को कुछ नहीं मालूम। छेला को माफ कर दो सर। चुप! हथियार का धंधा करता है और माफी मांगता है। बताता हूं सर। तू मच्छर का खून चूस रहा है? तारिका बता रही थी। ओ, अपनों ने शिकायत की है ना? नहीं। हाँ, चूस रहा था, मच्छर का खून चूस रहा। तो क्या पता चला? मच्छर से खूनी का पता चला। ओ, क्या? मच्छर से खूनी का पता? हाँ, मतलब मच्छर के अंदर अभी भी खून है? हाँ बस, ये मच्छर गोंद में फंस करके मर जरूर गया था, लेकिन इसके अंदर जो खून था वो वैक्यूम की वजह से बचा रह गया। हाँ सर, लेकिन इससे खूनी का पता कैसे चला? इस मच्छर ने सैप में फंसकर मरने से पहले जिसका खून चूसा था वो खून खूनी का था। फिर वो खून लाश का भी तो हो सकता? नहीं सचिन, लाश का डीएनए और उस मच्छर से मिले खून का डीएनए मैच नहीं करता, इसलिए खून खूनी का ही है। और एक बात बॉस, इस मच्छर के खून में हमें सिकल सेल एनीमिया के लक्षण दिखाई दिए, जबकि लाश के खून में ऐसा नहीं। सिकल सेल्स? सिकल सेल। मैं बताता हूं क्या होता। सिकल सेल एनीमिया के मरीज के रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्त कोशिकाएं गोल नहीं रहती हैं, वो ऐसी हो जाती हैं। ये देखो, इस तरीके के ये सिकल सेल एनीमिया के रेड ब्लड सेल्स हैं और ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स। सही मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने की वजह से रेड ब्लड सेल्स सिकुड़ जाते हैं। ऐसे मरीज को जॉइंट्स में पेन रहने लगता है और उसे फेफड़ों की बीमारी होती है। तो फिर ये आदमी जरूर हॉस्पिटल के चक्कर काटता होगा। जरूर बॉस। और एक बात, ये बहुत रेयर डिजीज है, हर किसी को नहीं होती ये बीमारी। फिर तो सर इसे पकड़ना आसान हो गया। बिल्कुल सचिन, बस आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब में जाकर के पता करो ऐसे कितने मरीज हैं जो सिकल सेल एनीमिया का इलाज करवा रहे हैं। आपको? संतोष। हाँ, मैं संतोष ही हूँ। काम क्या है? अरे 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 अरे, आप लोग कौन है? ओए, क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं कर सकते, बोलने में अपनी इज्जत है भाई। ये क्या है? वैसे बेटा, करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। फिलहाल तो ये बता, तरुण को जानता है? किसी तरुण को मैं नहीं जानता हूँ। अबे चुपचाप से बता, वरना ये हीमैन खड़े ना सामने, इनका हाथ ना 2.5 किलो का है, कान के नीचे पड़ेगा ना तो उठेगा नहीं, उड़ जाएगा। समझ में नहीं आएगा कहां पर है तू। पंकज। वैसे सर ये पंकज का आइडिया भी बहुत अच्छा है, उठाने वाला। बचाओ, बचाओ, मुझे मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, मचो ना, मचो ना, धीरे 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 उतार दो मुझे, धीरे धीरे। तरुण का एड्रेस बताओ, तभी छोड़ेंगे हम। साहब, मैं माफी का सवाल नहीं करता हूँ साहब, मैं किसी तरुण को नहीं जानता हूँ, ना तो मुझे उसका एड्रेस पता है साहब। अगर तरुण का एड्रेस मालूम नहीं तो तुम्हारा अगला एड्रेस होगा हॉस्पिटल और फिर हमारा जेल। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। वो गली का जो आखिरी मकान है साहब, साहब उसी में चल रहता है साहब।
है इस वक्त? शीना, शीना तुमने तो मुझे डराई दिया था। मैं इतनी क्या बुरी लग रही हूँ कि मुझे देखकर तुम डर गए? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी शक्ल देखकर नहीं डरा। तुम इतने जोर जोर से दरवाजा खटखटा रही थी ना, तो बस उस हड़बड़ाहट से मैं डर गया। वो क्या है ना तरुण, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ ना, बस इसीलिए। शीना, तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ? तरुण, मेरा सच्चा प्यार यहाँ खींच लाया, मैं तुमसे मिलना चाहती थी ना इसीलिए। शीना, तुम मुझे समझ नहीं रही हो। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कि तुम मुझे नहीं समझते हो। एक्चुअली ना, तुम मेरे जज्बात को समझना ही नहीं चाहते। और एक मैं हूँ, मतलब ये कार्ड्स, मैं ये गिफ्ट देने आई थी तुम्हें, ये कार्ड देने आई थी, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरे प्यार से कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ ये पड़ी है कि मुझे यहाँ पे कौन लाया था, ये लाया था मुझे यहाँ पे। संतोष, ते क्या हो गया है तुझे? और तू इतना सोचा हुआ कैसे है? अरे सब ऐसे ही। हाँ, दरअसल क्या है ना, मुझे मार खाने का शौक चराया हुआ था। मुझे रास्ते में एक लंबा चौड़ा पहलवान मिल गया। हाथ जोड़ के विनती की मैंने उनसे कि भैया पहलवान, आज मुझे मार खाने का बड़ा शौक चराया हुआ है, मुझे मारो। पहलवान ने कहा ऐसा, तो मैंने कहा भैया ऐसा ही। पहलवान लपक के हमारी बिनती मान गया। भाई तू जा कहाँ रहा है? अरे भैया हम जा नहीं रहे, हमको ले जाया जा रहा है भाई। क्या? तुम कौन हो? अभी जो हम पहलवान की बात नहीं कर रहे थे, वही है भैया। क्या? अभी चौंकने की जरूरत नहीं है, तेरा मार खाने का शौक मैं पूरा करूंगा। नहीं नहीं सर, मुझे मार बार खाने का कोई शौक नहीं है। मार खाने का शौक नहीं, जान से मारने का शौक है ना, और यही शौक पूरा करने के लिए तुमने मेनका को मार डाला। क्या मतलब? तुमने खून किया है? मतलब ये? हाँ। तुम एक बुरे आशिक होने के साथ साथ एक खूनी भी हो। ओह गॉड, मेरी तो जिंदगी स्पॉइल हो गई। नहीं नहीं, सुनो तो सही। शट अप! अब चुपचाप हमारे सवालों का जवाब दे, वरना अगला थप्पड़ मेरा पड़ेगा। नहीं नहीं सर, मारिए मत मुझे, मैं सब कुछ सच बताता हूँ। मेनका का खून मैंने ही किया। झूठ, तरुण ने मेनका का खून नहीं किया। यार तरुण ने सबके सामने कबूल किया है सारुण के। देखो बॉस, मैं उस सच्चाई की बात कर रहा हूं जो मच्छर ने मुझे बताई है। फिर तू मच्छर को लेकर शुरू हो गए? बॉस, 100 बात की एक बात, तरुण का ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव। हाँ। और मच्छर ने जो खून मिला है उसका ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव। तो साफ है ना, तरुण ने खून नहीं किया। तो फिर तरुण ने झूठ क्यों बोला? क्यों? और फिर खूनी कौन है सर? सर खूनी कौन है वो ये रिपोर्ट बता सकती है। शहर के सारे सिकल सेल एनीमिया पेशेंट्स की ये डिटेल रिपोर्ट है, और इतने सारे पेशेंट्स में ये एक ही फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव, और जिसके डिटेल्स उस मच्छर के मिले खून से मैच होते हैं। निधि, ये निधि नाम कुछ सुना सुना सा लगता है। निधि, पता लगाना पड़ेगा किस हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है इसका। अब ये उस निधि के आने का वक्त हो गया है, यहीं से डॉक्टर राकेश के कैबिन पर नजर रखते हैं। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर राकेश जी, रूम नंबर 7। ओके। Thank you.
डॉक्टर राकेश के केबिन के सामने एक लड़की है तो कहीं ये निधि तो नहीं है? तो ये तो कायर है। तुझे क्या मैं मेनका मैम दिख रही है क्या? मेरा नाम निधि है, निधि। तो ये है निधि? ये नहीं हो सकता सर। सर ये तो मेनका है, निधि नहीं है सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये मेनका कैसे हो सकती है? सर मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए, ये मेनका ही है। क्या मेनका अपने घर में नौकरानी बनकर काम कर रही थी? अगर ये मेनका मेड बनकर रह रही थी तो जिसका कंकाल मिला फिर वो कौन है? सर मेरा यकीन कीजिए, ये मेनका ही है। मैंने इसे अपने हाथों से गोली मारी है सर। जीतना नहीं हो सकती सर। अरे संभालो। अरे जाओ इसे ले जाओ, मुझे उसमें लाने की कोशिश करो, जल्दी से जल्दी जाओ। अच्छा हुआ सर हम लोग हॉस्पिटल में, यहीं पे बेहोश हुआ है, यहीं पे एडमिट करवा देते। जाओ जल्दी। संभाल के संभाल। सर ये बड़ी तगड़ी प्लानिंग के साथ किया गया खून है। इसमें तरुण को लगा कि उसने खून कर दिया, मगर दरअसल खून हुआ नहीं और असली खूनी ने उसकी आड़ में किसी और का खून कर दिया। अभिजीत, और अपना गुनाह छुपाने के लिए इस लड़की ने अपने कत्ल का नाटक किया है ताकि किसी को इस पर शक न जाए। और सर जिसका भी खून हुआ है उसे पहले गोली मारी और फिर उसका गला काटा, ये काम इसका अकेले का तो नहीं लगता। बिल्कुल सही कह रही हो, किसी अकेले का काम नहीं है ये। इसीलिए डॉक्टर राकेश को हमने कह दिया है कि वो निधि को कहे कि किसी अपने को साथ में लेकर आए। देखो मैं तो बस यही सलाह दे सकता हूँ कि तुम किसी अपने को यहाँ बुला लो। लेकिन डॉक्टर। अरे देखो अब हम तुम्हें एडमिट करने में बहुत देरी नहीं लगा सकते। अरे भाई बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होंगी और साथ में तुम्हारा ख्याल रखने के लिए और तो कहीं चाहिए ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम किसी अपने को यहाँ बुला लो। एक्सक्यूज मी, रूम नंबर 7 किधर है? राइट लेके फर्स्ट राइट। ये आप कौन? मैं सर इनकी सेक्रेटरी हूँ। तो धीरज की सेक्रेटरी है? सर मतलब ये सब मिले हुए हैं? ये अपने हाथ से निकल नहीं पाए। सीआईडी, निधि भागो। ए, रुक। दिखता नहीं है? इमरजेंसी पेशेंट को खतरा है। हाँ जनरेटर तो ऑन करना चाहिए। अरे सिक्योरिटी, मेन स्विच का है, मेन स्विच उस तरफ है, आइए चलो दिखाओ जल्दी।
मुझे। क्यों मारा? बदला लेने के लिए। कैसा बदला? तरुण और नीरज से हमारी जिंदगी खराब करने का बदला। उन्होंने मिलकर हमसे हमारे सब कुछ छीन लिया, उसका बदला। एक तीर से दो निशाने, मेनका का खून करके हमने धीरज और तरुण के ऊपर उस खून का इल्जाम डाल दिया। और वो गोली? गोली कहाँ गई जो तुम्हें लगी थी? वो नकली गोली थी, मैंने गन से निकाल कर गोली चेंज कर दी थी। तुम दोनों ने बदला लेने के लिए मेनका और धीरज को अलग कर दिया, और फिर निधि तुम मेनका बनकर तरुण को बेवकूफ बनाने लगी। तुम्हारा प्लान ये था कि तरुण तुम्हें मेनका समझकर तुम पर गोली चला दे। हैं? तुम्हें क्या लगा धीरज और तरुण के सामने तुम लोगों का राज कभी खुलेगा नहीं? राज नहीं खुल सकता था सर, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। सारे राज एक ना एक दिन खुल ही जाया करते हैं। कोशिश तो तुमने बहुत की थी कि मेनका की लाश मिल जाए और धीरज फंस जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। और इसीलिए तुमने मेनका की खोपड़ी निकालकर बाहर रख दी, ताकि किसी की नजर उस पर पड़ जाए और धीरज और तरुण पकड़े जाए, है ना? इतना दिमाग चलाया, बहुत साजिश रची, पर एक बात भूल गए तुम, भूल गए इंसाफ नाम की भी एक चीज होती है जो अपना रास्ता ढूंढ लेती है मुजरिम तक पहुंचने का। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी तुम्हें, शायद फांसी होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।